यह कार्यक्रम भारतीय फंतासी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। समाज को पीड़ित करने वाली सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को ये नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। ये पाताल केत की है। अगर इसकी एक बूंद भी मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरी डायन शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मुझे इससे बच के निकलना होगा। मुझे भैंसासुर की मदद चाहिए दैवी को डराने के लिए। ये बाल जिसके हैं उसे कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? समय आने पे पता चल जाएगा। ठीक है। कितने क्यूट लग रहे हो शुगर लिप्स। मैं सोच रही थी कि हमारी शादी के बाद का पहला फेस्टिवल है, आज हम साथ में डांस करते हैं ना? अब रूबी, तुम जानती हो मैं डांस नहीं करता। देखो ना, सब डांस कर रहे हैं।
क्या कर रहे हो अंश? छोड़ो ना मन को, अंश छोड़ो ना मन को, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुमने मेरी बात सुनी थी? मैंने कहा था ना, ये झूठा है, फ्रॉड है, दिखा तो कुछ और है और है कुछ और, फिर भी इसके साथ खड़ी हो? मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसके साथ भी खड़ी रहूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने टोकने वाले? मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं इस आदमी की असलियत जानता हूँ। मेरी आंखों के सामने इसने गुरु मां पर अटैक किया था। या, जो आदमी अपनी माँ का नहीं हो सकता वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे असली खतरा किससे है। अंश को रूबी के साथ होना चाहिए, फिर वो पिया के साथ क्या कर रहा है? अंश को बोलो रूबी के साथ रहे। अंश उसी के साथ है जिसके साथ उसे होना चाहिए। उसकी बीवी रूबी है। तुझे कब से रूबी की इतनी फिक्र होने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दैविक के यहाँ आ जाने से घबराहट हो रही है तुझे? बदिश्री, रहने दो, कहाँ इसके मुंह लग रहे हैं? अब हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। पिया, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हमसे क्या दुश्मनी है, काहे हमको बदनाम करने पे तुले हो भाई? हाँ पिया, कोई बेटा अपनी अम्मा को मार सकता है, तुमको तो पता ही है हमारी अम्मा के सिवा हमारे इस दुनिया में है कौन? Just shut up, भोले बनने का नाटक बनकर। नाटक लग रहा है तुमको? ये हमारा इमोशन तुमको नाटक लग रहा है? नाटक कर रहे हैं हम? मैं नाटक हम नहीं, तुम कर रहे हो, जबरदस्ती की हमदर्दी दिखा रहे हो उसको। तुम्हारे तुम्हारे नीयत में खोट है। और फिर हमारी पिया है ही इतनी ब्यूटीफुल कि अच्छे अच्छे लोग टकमगा जाते हैं। अब तुम्ही को देख लो, करेक्टर लेस इंसान हो गए, शादीशुदा हो, घर में कंचा मतलब भाभी है, उसके बाद भी तुम्हारी नजर हमारी पिया पे ही अटकी हुई है। बहुत देर से हम देख रहे हैं कि तुम्हारी डर्टी नजर हमारी पिया के एक एक बॉडी पार्ट को टच करते हुए जा रही है। Just shut up. अंश! अबे तुम हमको टच कैसे? Enough! नमन, डरता वो है जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। तेरी दैविक ना तो मेरा कुछ बिगाड़ सकती है ना ही मुझे रोक सकती है। जैसे हमेशा से तू मुझसे हारती आई है, आज भी तेरी ही हार होगी। मैं हैरान हूँ, तू आज भी मुझे हराने के सपने देख रही है? अरे तू तो मुझे कभी डांडिया में भी नहीं हरा पाई। जो कभी भी नहीं हुआ वो इस बार होगा। तो आजा मैदान में, शुरुआत डांडिया से ही करते हैं, देखते हैं जो कभी नहीं हुआ वो आज होता है कि नहीं। क्यों बार बार हमसे उलझते हो? देखो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज चले जाओ यहाँ से, वरना हमें घनघोर गुस्सा आ जाएगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का।
अभी भी सोच ले चुटकी, अभी हार मान लेगी तो सिर्फ मेरे सामने तेरी बेइज्जती होगी, मुझसे मुकाबला करके हारेगी तो सबके सामने तेरी नाक कटेगी। हार वही मानता है जिसे अपने आप पर भरोसा नहीं हो, और मैंने कभी हारना सीखा ही नहीं। भाभी क्या हुआ? चैताली जरा बताओ इसे, हर साल की सोसाइटी डांडिया प्रतियोगिता कौन जीतता है? अब बताओ चैताली। वो तो आप ही जीतती है भाभी, लेकिन डांडिया की बात बीच में कहां से आई? भैया ये दोनों तो डांडिया की बात कर रही, आप खावा खा घबरा गए। तू हर साल जीतती आई है क्योंकि तेरा मुकाबला मुझसे नहीं हुआ है। मुझे हरा के दिखा तो मैं मानू, हरा दिया तो? भाभी आप ये क्या कह रही है, डायन से मुकाबला करेंगी? क्यों नहीं, हमेशा यही तो करते आए हैं।